बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ी ख़बर है। हुकूमत की जानिब से 50,000 रुपये की जो इमदाद है वो देना शुरू कर दिया है और लोगों के अकाउंट में आना शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों के अकाउंट में ये रकम आ जाती है उनको हुकूमत एक मैसेज फॉरवर्ड करती है। और हुकूमत की जानिब से इस मरतबा आप लोगों को अलहदा से अप्लाई करने के लिए एक नए तरीके की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके तहत जिन लोगों को 7,000 मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है या एहसास राशन स्कीम का वो हिस्सा है, जो लोग इंतहाई गरीब हैं उन तमाम ख़ानदानों का जो डाटा है वो हुकूमत के पास मौजूद है और हुकूमत इसके मुताबिक ही आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट करेगी और आप लोगों को यहाँ पर इमदाद देगी। हुकूमत की ये तरजीह है सबसे पहले 25,000 और 50,000 आप लोगों को दिया जाए और इसके बाद जो 7,000 रुपये की इमदाद है वो तकरीबन आप लोगों को दी जा चुकी है। अब जो आप लोगों को इमदाद मिली है, आपके जो बकाया 7,000 रुपये आपको वो मिलेंगे और इसके साथ 7,000 रुपये मज़ीद ऐड किए जाएंगे आपकी नेक्स्ट जो हुकूमत की जानिब से इंस्टॉलमेंट आप लोगों को दी जाती है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से, वो शामिल करके आप लोगों को पूरे 14,000 रुपये यहाँ से दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को 25,000 मिलेगा और आप लोगों को 50,000 रुपये मिलेंगे। और जिन लोगों को ये पैसे मिलने हैं उनको कैसे पता चलेगा, इसके हवाले से भी आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। यहाँ पर तकरीबन ऐसे ख़ानदान मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हमें 50,000 रुपये मिले, और इसके लिए बहुत ज़्यादा दोस्तों की जानिब से रिक्वेस्ट भी भेजी गई थी कि हमें कोई आसान तरीके का बताया जाए जिसके ज़रिए हम 50,000 रुपये की इमदाद वसूल कर सकें और हमें इसकी ज़रूरत है। और ये आप जानते हैं कि पहली मरतबा आप लोगों को 50,000 मिलेंगे, इससे पहले आप लोगों को 50,000 रुपये नहीं मिले, आप लोगों को 25,000 मिला है और ज़्यादातर तो ख़ानदान ऐसे हैं जिनको 14,000 मिला है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये 80 लाख ख़ानदानों के लिए था। और इसी तरीके से जो 25,000 रुपये वाली स्कीम है ये 20 लाख खानदानों तक हुकूमत ने महदूद कर दी थी। तकरीबन 20 लाख खानदान जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और उनको 25,000 रुपये हुकूमत की जानिब से दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा, जब भी हुकूमत की जानिब से ऐसे प्रोग्राम्स या पॉलिसी आती है इनमें हर ख़ानदान को यहाँ पर इमदाद दी जाती है, लेकिन फर्दन इमदाद नहीं दी जाती। मिसाल के तौर पर जो लोग शादीशुदा नहीं है, जो एक ख़ानदान नहीं रखते, उनको इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर जो शादीशुदा अफराद हैं उनमें से अहलिया को या खावंद को हुकूमत की जानिब से इमदाद दी जाती है और एक घराने के लिए यहाँ पर इमदाद होती है, चाहे ये जॉइंट फैमिली है या अलग रहती है। हुकूमत की जानिब से ज़्यादातर जो इमदाद है वो खवातीन के नाम पर दी जाती है और खवातीन के नाम से हुकूमत आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी खवातीन को सपोर्ट किया जाता है। और एहसास जो प्रोग्राम सानिया नसरीन साहिबा की जानिब से शुरू किया गया, इमरान खान ने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसकी स्ट्रगल की बिना पर लोगों को 12,000 रुपये और 14,000 रुपये मिला और लोग भी यहाँ पर बहुत खुश हुए कि इतनी बड़ी इमदाद आप लोगों को मिल रही है। तो अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो नई सिटिंग गवर्नमेंट है इसकी जानिब से ये कहा गया कि हम आप लोगों को 7,000 रुपये दे सकते हैं और बजट कम होने की वजह से तो 7,000 रुपये आप लोगों को मिला। और इसके साथ जो लोग सैलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए उनको हुकूमत की जानिब से 25,000 रुपये की फ़ी ख़ानदान के हिसाब से इमदाद भी जारी की गई। और अब हुकूमत ने एक नई इमदाद देनी है, ये इमदाद आप लोगों की 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये जिन लोगों के अकाउंट में आएगा उनको 8267 से मैसेज आ जाएगा, पंजाब बैंक की जानिब से मैसेज भेजा जाएगा या किसी और बैंक की जानिब से जो भी आपके इलाके के अंदर मौजूद होगा उस बैंक फिर आपने जाना है और वहाँ जाकर आप लोगों ने अपनी पेमेंट वसूल कर लेनी है।